तो यहाँ पर दीप्ति को आई था टोपला लेके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है और एक नए वीडियो पे। और आज है, आज हम लोग का कुछ काम है तो हम लोग जा रहे हैं उसी काम के लिए, दीप्ति और मैं। और क्या काम है क्या नहीं है, हम लोग क्या करने वाले हैं आज, आज से 3 तारीख को क्या करने वाला है वो आपको बताएंगे। अब वीडियो में देखते रहिएगा, वीडियो तो पता चलेगा। आज हम लोग कुछ काम करने वाले हैं, बहुत ही बड़ा छोटा, एक छोटा काम है वो करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए दीप्ति अभी रेडी है, और दीप्ति का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है तो हम लोग निकल रहे हैं, वीडियो में बने रहिएगा। दुकान में वो घुसा है पनीर लेने के लिए, तो सब पनीर हम कुछ कहीं पे देने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से पनीर ले लेते हैं। आगे भी कुछ कुछ सामान लिया था जो मैंने क्लिप वीडियो नहीं किया है। और ये हमारा मार्केट, तो हम लोग अभी दुकान में आए हैं पनीर लेने के लिए, और इधर पनीर उठा रहे हैं। और हम लोग ने ले लिया मछली और तेल और आलू, जो चीज़ देना है वो ले लिया ना। तो ऐसे करके दुकान में हम लोगों ने पेमेंट भी कर दिया, और इधर बन रहा है चले भी। तो हमारा डेस्टिनेशन आ गया है, ये आपका सोनापुर ओल्ड एज होम है। गेट खुल गया है और हमारी एंट्री हो गई है अंदर। देखिए ये है ओल्ड एज होम। ठीक है सर, उन लोग का कुछ प्रोसीजर होता है जिसके लिए हम अभी सामान वगैरह लेके ऑफिस रूम पे जा रहे हैं, तो ऑफिस में जाके बात कर लेते हैं, फिर डोनेशन का स्टार्ट करते हैं। तो ये सामान चला गया हम लोग का। इसमें कच्चा सामान है, फिश है, पनीर है, आलू है, ऑयल है, ये सब उन लोग के लिए, दादी लोगों के लिए दोपहर के लिए हम लोगों ने डोनेट किया है आज। तो अभी दीप्ति बात कर रही है ऐसे नानी लोगों के साथ, बहुत ही सुंदर तरीके से लाइट है। और इस तरफ एक डाइनिंग टेबल, तो इधर है किचन है, इधर बढ़िया किचन है। तो यहाँ पर क्या, तो दीप्ति ऐसे करके बात कर रही है। तो दोस्तों अभी हम लोग है ओल्ड एज होम में, और वहाँ पर हम लोग अभी थोड़ा कुछ नानी लोगों से बात कर रहे हैं, नाना लोगों से बात कर रहे हैं हम लोग का। तो थोड़ा अच्छा लग रहा है और बुरा भी लग रहा है, क्योंकि ऐसा मतलब ओल्ड एज होम मतलब बोलने से ऐसा सब बुरा लगता है, लेकिन दुख लगता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन लोगों की कहानी सुन के मुझे बहुत बुरा भी लगा है, और कुछ कुछ कहानी हंसी का भी है। तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, थोड़ा बहुत जितना हो सके मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। तो मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा बैठे हुए नानी लोग और आता लोग, तो उन लोगों के लिए थोड़ा दोपहर का खाने के लिए कुछ लाए थे उन लोगों ने, वो दे दिए हैं। देने के बाद अभी हम लोग यहाँ पर नानी लोगों के साथ आके बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कहाँ से आए क्या नहीं। तो इधर एक नानी है, तो दीप्ति इधर बात कर रही है हम लोगों का आयता लोगों के साथ। टोपला लेके तो इधर बैठे हुए हैं, दीप्ति पूरा बात कर रही है, एक नाना बैठे हुए हैं।
स्वागत हमला देगा रुकिए नहीं देखते ढूंढता है अगर मिलता है पूछता है लोग से अगर मिलता है तो ला दूंगा मैं आप पैसा देने का आप पैसा रखिए हम ला देगा। तो इधर आयता के साथ हम लोग जा रहे हैं दीप्ति और थाना थाना है আপনি বরপেটা টাউনে আছিলে এখানে আইতা পিঠা চাকরি করে আনলো আইতা লগতে আমি আমি হলো আইতা লগে সাথে ভিডিও বানা আইতা কোন মেসেজ আইতা তো মত দিল আপনার রুম কো মন আমি ভিতর হ্যাঁ বলো ভিতর যাও বলি বলো তাই তো আমি हम लोग जाएंगे আইতা কে রুম পে আর আইতা লেকে যা রে আপু পুরো ছিল এই রান্ধনি আর মোর থাকি মোর 8 বছর तो इधर ये आयता का रूम है आयता हम लोग को लेके आया है रूम पे ये आयता का रूम है आयता का आयता मतलब पहले टीचर थी ना आप टीचर थे कौन सा हमारे स्कूल बोरपेटा टाउन होता था बोरपेटा टाउन में वो प्राइमरी स्कूल में टीचर थे तो अभी आयता का रूम पे हम लोग आए हैं देखने के लिए और आयता का यहाँ कितना साल हो गया यहाँ पर कितना साल हुआ अभी यहाँ पर गणेश नगर और मतलब आप आयता 8 साल से घूम रहे हैं मतलब इधर ओल्ड एज होम में 8 साल से घूम रहे हैं आयता अभी तक शादी नहीं किया है ना आयता का शादी नहीं हुआ है अभी तक तो लाइफ में आयता शादी नहीं किया आयता अभी भी बैचलर है आयता का शादी करवाना है कुछ हम लोग शादी करके शादी बिना किए अच्छा लग रहा है कि नहीं नहीं ना शादी करना चाहिए आपके अनुसार आयता आयता अपना मत शादी ब्याह करिबो लगे ना लगे मोर मत ना आयता का हिसाब से शादी करना नहीं चाहिए आयता बिंदास अपना फ्रीडम लाइफ जी रही है तो पहले आयता टीचर थी उसके बाद आयता का रिटायर हुआ ना आप रिटायर हुए तो आयता रिटायर हुआ है तो आप लोग वीडियो में बने रहिए ऐसे ही मज़ेदार किस्से आपको बताते रहेंगे और दीप्ति के साथ हम लोग अभी आयता के रूम पे और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर तो अभी हम लोग चाय पियेंगे मुक्ति चाय आयता बहुत चाय पी रही है अभी देखिए और हम लोग आयता हमने बैठे हुए तो यहाँ पर दीप्ति को आयता पहना दिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पर आके और उन लोगों ने ये गमछा देके सम्मानित किया है तो असम का सम्मान है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हर अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो हम लोग जरूर आएंगे और यहाँ पर आके हम लोग थोड़ा बहुत दिन गुजारेंगे और नेक्स्ट टाइम हम लोग और एक बार आएंगे खाना वाना अच्छे से खाएंगे और वीडियो बनाएंगे तो वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आते रहेगा ऐसा ऐसा वीडियो थोड़ा बहुत बीच बीच में तो वीडियो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं टाटा बाय बाय सी यू।
तो हम लोग अभी जाने के रास्ते में।